नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, किसी भी चीज का प्रलोकन करना सबसे जे की अहम चीज होता है। मैं सीधे जे की बात करना चाहता हूं कि बीजेपी अगर किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है तो उसके लिए जे की सबसे जे की बड़ी जे की चीज है और जे की सबसे अहम चीज बन जाती है, वह अपनी गारंटी की, अपने जी की तारीफ का पुल जी के बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन जब चुनाव जी की हारती है तो सबसे बड़ी जी की पॉइंट वाली विषय है और सबसे जी की बड़ी जी की बात है कि वह किसी को शिकायत नहीं करता है और डायरेक्ट जी की राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, जी की अन्य जगहों पर जी की जा करके किसी तरीका से चुनाव जीतने का प्रयास जी की करता है। यही हाल हिमाचल में जी की हुआ। कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव जी की जीतती है तो वहां जी की बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और जी की जब चुनाव हारती है तो राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पास जी पहुंचती है और जब चुनाव जीतती है तो तारीफ का पुल जी की बांधती है। और सेम यही चीज विपक्ष में जी की देखिए, जब चुनाव जीतती है तो जी की विपक्ष के लोग जी की कहते हैं कि हमने जी की मोदी को जी की हराया, और जब चुनाव जी की हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। आप जी की जरा समझिए कि दोनों जी की अलग अलग विषय है लेकिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू जी की बन चुके हैं। मैं बात करूंगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी कार्ड लेकर जो कि घूम रहे हैं, उस गारंटी कार्ड में किसी का जिंदगी, किसी का जो कि मौत की गारंटी है या नहीं है, इस विषय पर जो कि मैं बात करूंगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को फोन करते हैं और बात करते हैं तो यह इनकी पर्सनल जे की बातें बताई जाती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के वकील जे की स्पष्ट आके सामने जे की कहते हैं कि हाँ, हमें जे की फोन किया गया, इसका रीजन यह है, तो बातें कुछ और जे की बनने लगती है। मैं इस विषय पर जे की क्यों बात करना चाहता हूं, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जे कि नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को फोन लगाया और बात किया। आप किसी को हेल्प करते हैं या किसी को मदद करते हैं तो इसके पीछे कुछ रीजन जे की होती है, और वही रीजन आज सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दोनों जगह पर जे की वायरल जे की। तो पहला बात कि जिंदगी और मरण का गारंटी जे की कौन लेगा, और दूसरी बात कि फोन क्यों करते हैं। तो चलिए जी, मैं बात करता हूं जिंदगी और मौत की बात। दोस्तों, अभी अभी आप लोग हाल ही में द्वारिका दर्शन मोदी जी का देखे हैं आप। जब राम मंदिर से जी की मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, अमीरात में मंदिर का उद्घाटन जी की पूरा नहीं हो पाया, तो अब कृष्ण जी को लपेटने की अपने प्रोपेगेंडा में शामिल कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस प्रकार से अगर वह समुद्र के तल में, अंदर जल में जाकर के समाधि लगाकर और जे कि कृष्ण भगवान को राजनीति में लाने का प्रयास जे कि किया जा रहा है, उन नरेंद्र मोदी जी के हाथ में मोर पंख जे कि दिख रहा है और काफी ज्यादा जी की मोर पंख जी की उनके साथ में है। राष्ट्रीय पंछी जी की मोर है और मोर पर जी की ये लगाई गई है बात कि उसका पंख जी की आप उखाड़ नहीं सकते हैं, उसको जी की मौत नहीं दे सकते हैं, अगर जी की मारेंगे तो आपको जुर्माना होगा, जेल होगा। लेकिन इतनी भारी तादाद में जी की मोर पंख अगर लेके जी की किसी के पास जी की कोई आता है तो वो कहां से लेके आता है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब समस्या जी की इस बात के है कि जो नरेंद्र मोदी के पास जी की पंख मिला,
और वह समुद्र तल में जाकर लोगों की मदद से जमीन में गाड़ते हैं और वहां जो कि समाधि लगाते हैं जल में। ठीक है, लोग की सवाल है कि बीजेपी के लोगों की कहना है कि यह तो मोरपंख चुन करके लाया गया था, और विपक्ष का कहना है कि वह मोरपंख जबरदस्ती उखाड़ करके लाया गया है। इससे किसी प्रकार की कोई बहस नहीं है, आप कहीं से भी मोरपंख लेके आए, लेकिन देश का लीडर होने का मतलब ही है कि आप जब मोरपंख को प्रमोट करेंगे तो आपको देख करके लोग अनुसरण करते हैं और मोर पंख ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जब यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करता है कि मोरों की हत्या की जानी तय है। और जब आप मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी है, तो इसमें क्या वह गारंटी लेंगे कि मोरों की हत्या, इनके जो कि जल समाधि में जो कि जाना और जो कि मोर पंख का प्रमोट करना, इससे जो कि मोरों के ऊपर जो कि खतरा नहीं बनेगी, इसका गारंटी वो लेंगे? आप जवाब जरूर दीजिएगा कि वह गारंटी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। चलिए मैं दूसरे जो कि विषय पर जो कि बात करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं, यह बात जो कि थोड़ी सी जो कि कुछ पुरानी सी है लेकिन अभी अभी लोगों के जहन में जो कि प्रमोट जो कि होते जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दो चार दिन पहले, आज के दो चार दिन पहले साफ साफ जो कि बताया कि हाँ हमारे पास प्रधानमंत्री जी का फोन आया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी फोन करके बोलते हैं कि आप कोविड से परेशान हैं, मैं अपना एक डॉक्टर आपको जो कि ऐसे से सजेस्ट करूंगा जो आपको दवाई जो कि भिजवाएगा, तो ठीक है सलाह करेंगे, लेकिन इसके पीछे मोदी जी की गारंटी है कि नहीं है, यह जी कि आप जी बताएं कि क्या वह गारंटी लेते हैं कि यह फोन करने से कहीं ऐसा तो नहीं जी कि प्रमोट कर रहे हैं कि आप हम आपको मदद कर रहे हैं तो आप हमारे पक्ष में जी कि फैसला सुनाएंगे, आप हमको जी कि सपोर्ट जी कि करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? आज सिर्फ उनकी गारंटी पर ही जे की बात जे की होगी कि जब गारंटी उनकी है हर चीज की तो गारंटी कौन लेगा। और तीसरी बात दोस्तों, राहुल गांधी बनारस की धरती पर जे की लोगों को जे के संबोधन करते हुए उन्होंने बोला, राहुल गांधी, कि यहां के युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से बेरोजगारी के नशे में जी की है इस टाइम। राहुल गांधी का बयान था कि बेरोजगारी के वजह से जी की काशी के युवा जी की नशे में जी की हो चुके हैं, वह अधिक से अधिक मोबाइल का यूज करते हैं और एक दूसरे को वीडियो जी की भेजते रहते हैं। इस बात पर नरेंद्र मोदी जी अपने जी की भाषण में जी की फिर काशी की धरती से जी की बोलते हैं कि यहां के युवाओं को राहुल गांधी नशेड़ी बोलते हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि आप बात घुमा फिरा करके बात नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी को बयान को पलटने का बात आप नहीं कर रहे हैं, इसका गारंटी क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बातों को ठुकराते नहीं हैं? और इसकी गारंटी क्या है कि चुनाव आयोग आपके पक्ष में जो कि काम नहीं करता है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव जो कि होनी है, इसमें क्या आपको 400 सीट तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि ईवीएम जो कि हटा दिया जाए? ईवीएम हटाने की जो कि बात जब भी आती है तो मोदी जी की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है, इसका गारंटी कौन देगा? तमाम जो है कि गारंटी जी की है, लेकिन बहुत ऐसे जो कि सवाल खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती में बहुत अधिक से संख्या में जो कि बच्चे जो कि फार्म जो कि भरे थे, 400 रुपया बच्चों को जो कि एंट्री फीस लगी थी, वह 400 जब अधिक से अधिक बच्चे जो कि इसमें फार्म को अप्लाई किए और 400 रुपया जो कि लगाया गया,
तो क्या इसकी गारंटी कौन लेगा कि जब परीक्षा रद्द हो गया तो बच्चों को पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और दूसरी बात, एक एक बात पर जिक मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी जी की गारंटी जी की है मोदी जी का, सब चीज में उनकी गारंटी है, तो सरकार रहेगी या सरकार जाएगी इसका गारंटी मोदी जी के पास है, तो बैलेट से चुनाव होगा या नहीं होगा इसका गारंटी कौन लेगा? चुनाव आयोग जी की कहता है कि हम नहीं हटाएंगे, लेकिन एक और गारंटी की मैं बात करना चाहता हूं कि जब 30 कंपनियों से जो है कि मोदी जी पैसा जब वसूल करते थे तो उन कंपनियों को पैसा वापस होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी कौन लेगा? तमाम आज सवाल जी के खड़े हैं और बहुत ऐसे जो कि सवाल उनके ऊपर जो कि चलते हैं, जो कि बहुत सवाल जो कि खड़े हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा, इसका गारंटी कौन लेंगे? नीतीश कुमार बिहार में पलटी मारे, राष्ट्रीय सम्मान देकर के लोगों को भारत रत्न देकर के अपने पक्ष में ला करके और जो कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से लोगों को बरगला करके और लोगों को अंदर जे की यह बात जे की डाल करके कि आप जे की राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा रहा है, आप हमारे पक्ष में आए, वह व्यक्ति कब बदल जाएगा इसकी गारंटी कौन लेगा? दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और गारंटी पर जो सवाल आई है इसका जवाब आपके पास हो तो जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।